हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संजय इंटरनेट पॉइंट में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि अगर आपने अपना शौचालय ऑनलाइन किया है और आप उसका जो स्टेटस है वो चेक करना चाहते हैं कि हमारा स्टेटस है वो कहाँ तक पहुँचा, कब हमारा अप्रूवल होगा और उसके बाद हमारे अकाउंट में जो 12,000 रुपये हैं यानी 6,000 रुपये की दो किस्तें हैं कब से आने वाली है। तो दोस्तों, जब आप स्टेटस चेक करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका स्टेटस रिजेक्ट हुआ है या दोस्तों आपका अप्रूव हुआ है। रिजेक्ट हुआ है तो दोस्तों किस कारण रिजेक्ट हुआ है वो भी मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें तभी इस वीडियो की पूरी जानकारी है वो आपको मिल पाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने पहले दोस्तों मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस तरह की अपडेट पाने के लिए बगल में बेल आइकन को भी ऑल कर लेना जिससे कि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आ चुके हैं हम गूगल क्रोम ब्राउजर पर। यहाँ पर आपको सर्च बार में आपको टाइप करना होगा SBM, ठीक है ना दोस्तों। और आप जैसे ही SBM टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद दोस्तों आपको पहली वाली लिस्ट जो लिंक है आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैं इस पर क्लिक करूँगा वैसे ही आपके सामने एक जो स्वच्छ भारत मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप डायरेक्ट ही रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैं अभी बता देता हूँ आपको। वेबसाइट का प्रारूप कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आपको सबसे पहले आपको जहां जाना होगा, एक ऑप्शन है ये वाला, इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर IHHL, ठीक है ना। तो आपको ये वाला ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक और नया पेज ओपन होकर आ जाता है कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों, हमें फॉर्म सबसे पहले क्या करना है, अपना स्टेटस चेक करना है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक लॉगिन कर लेता हूँ एक नंबर डाल के भी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ मोबाइल नंबर फिल किया और उसके बाद दोस्तों जो हमने पासवर्ड बनाया था वो भी फिल किया और उसके बाद दोस्तों ये कैप्चा कोड को भी आगे फिल कर दिया। और उसके बाद दोस्तों आपको सीधे से लॉगिन पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको पासवर्ड भूल गए हैं और किस तरीके से आपको रिसेट करना है वो भी मैं आज इस वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। जो आपका फॉर्म है वो लॉगिन हो चुका है, ठीक है ना दोस्तों। कैंडिडेट का नाम यहाँ पर आ चुका है और आपको जाना होगा इस 3 डॉट पर, ठीक है ना दोस्तों। इस 3 डॉट पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद दोस्तों आपके सामने 3 ऑप्शन निकल कर आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आवेदन, नया आवेदन के लिए और आवेदन देखें और पासवर्ड बदलें। तो दोस्तों, अपना पासवर्ड यहाँ से आप बदल सकते हैं। तो आवेदन की स्थिति देखनी है हमें, यानी अपना स्टेटस चेक करना है। तो आपको आवेदन देखने पर क्लिक करना होगा कि आपका फॉर्म है कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा या दोस्तों रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये आपका एप्लीकेशन नंबर, ये आपकी जो डेट वगैरह और जो भी सब कुछ यहाँ पर आपका डाटा दिखा देता है। स्टेटस के लिए दोस्तों आपको यहाँ ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर देना होगा और आपका स्टेटस है कुछ इस प्रकार से शो होने लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि आपका स्टेटस है कहाँ तक पहुँच गया है। तो दोस्तों, आपका स्टेटस है दोस्तों यहाँ से वेरीफाई हो चुका है और आपका स्टेटस अभी यहाँ पर है। तो दोस्तों, यहाँ आपका जो स्टेटस है वो कैंसिल कर दिया गया है, यानी कैंसिल का यहाँ पर भी आपको डाटा भी मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ लिख रहा है हरीश सिंह के नाम को मिल चुकी थी जो तोड़ ली, यानी इन कैंडिडेट को पहले से ही जो शौचालय है वो मिल चुका है, इसीलिए इनको जो इनकी जो शौचालय है वो लिस्ट वो कैंसिल कर दिया गया है इनका नाम लिस्ट में और आगे का जो प्रोसेस है अब ये आगे नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।